दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में इन पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, जाने क्या है नियम। जी हां, बिहार सरकार ने सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों के परिवार को बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार ने सड़क हादसे में मौत होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बुधवार से नीतीश सरकार के इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही गंभीर घायल होने वाले व्यक्ति को भी 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने यह व्यवस्था की है। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है, जो लोगों को हादसे के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी। इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी, जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसे पूरे प्रदेश में तत्काल लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि अगर हादसा होने पर गाड़ियों का बीमा नहीं मिला तो पूरे राशि वाहन मालिकों से वसूली की जाएगी। पीड़ित परिवार द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिक को देनी होगी। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मिली राहत, पटना समेत सभी शहरों में काम पर लौटे सफाई कर्मी, सफाई शुरू। जी हां, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना समेत राज्य भर के नगर निकायों में पिछले 9 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। शहर की सफाई शुरू हो गई है। गुरुवार से सभी दैनिक सफाई कर्मी काम पर लौट जाएंगे। पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले नगर निगम प्रधान कार्यालय परिसर में बुधवार को आम सभा कर हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का पटाखा छोड़ स्वागत किया गया। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, 35 जिलों के 50 प्रखंड में आज से दाखिल होंगे नामांकन। जी हां, बिहार में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 35 जिलों के 50 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार यानी आज से शुरू होगी। सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण के चुनाव को लेकर 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। उसी दिन उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इस चरण के लिए मतदान 8 अक्टूबर को होगा। इस चरण के चुनाव के परिणाम की घोषणा 10 व 11 अक्टूबर को की जाएगी। बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में 37 जिलों में बारिश की संभावना, पटना में रुक रुक कर हो रही है बारिश से मौसम में ठंडक। गया, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार। जी हां, बीते 24 घंटे से पटना में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज रफ्तार में हवाएं मौसम को और ठंडा कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार के 37 जिलों में बारिश हो रही है। मात्र सीतामढ़ी ऐसा जिला है जहां बारिश नहीं हुई है। पटना सहित 17 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे तक मौसम का यही हाल रहेगा। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, रोहतास और अरवल में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण बिहार के पश्चिम एवं मध्य भाग में गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी दी गई है। पटना, गया, बेगूसराय सहित बिहार के सभी जिलों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से 3 से 19 mm तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले रिजल्ट जारी, 858 पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, इनमें 830 पंच जीते। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव में 858 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सबसे अधिक 830 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। गया के बेलागंज प्रखंड के 121 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य के 195 पद पर भी निर्विरोध
गठजोध निर्वाचन हो गया है। ये निर्वाचन प्रथम चरण के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में हुआ है। इन सीटों पर 24 सितंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नाम वापसी की तिथि समाप्त होते ही 858 अभ्यर्थी विजयी घोषित हो गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की गई। ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 2233 पदों में से 26 पदों तथा पंच पद के कुल 2233 पदों में से 830 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसी तरह से जिला परिषद सदस्य के 22 पदों में से एक पद और पंचायत समिति सदस्य के कुल 195 पदों में से एक पद पर अभ्यर्थियों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दौरान भी चलते रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने की है ऐसी व्यवस्था। जी हाँ, चुनाव किसी भी तरह से हो लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खास तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है, तो तरीका ऐसा हो कि स्कूल की पढ़ाई बाधित ना हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि 1.5 साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह तक चुनाव की वजह से न रुक जाए। अगली बड़ी खबर, RTPS ऑनलाइन का सर्वर नहीं कर रहा है काम। 15 दिन से लोगों का नहीं बढ़ रहा है आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र। जी हां, RTPS काउंटर से प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। काउंटर लगभग 15 दिनों से बंद है। 3000 से अधिक प्रमाण पत्र लटका हुआ है। प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव एवं छात्रों के नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लोग सुबह से प्रखंड मुख्यालय आते हैं, इंतजार कर निराश होकर वापस चले जाते हैं। वही RTPS से साइट पर जानकारी दी गई है कि मेंटेनेंस कार्यों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। बता दें कि यह हालत पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों के लिए जिस सर्विस प्लस पोर्टल पर आवेदन किया जाता है उसके सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई है। इससे राज्य भर में लोक सेवाओं के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं के 21 लाख से अधिक मामले लंबित हो गए हैं। बिहार में 259 नगर निकायों के लिए अगले साल अप्रैल मई में एक साथ होंगे चुनाव। आयोग ने शुरू की तैयारी। जी हां, पंचायत चुनाव के बाद अगले साल अप्रैल मई महीने में नगर निकाय के चुनाव होंगे। सूबे के वर्तमान 142 नगर निकायों का कार्यकाल जून 2022 में खत्म हो रहा है। ऐसे में पुराने 142 व नए 117 सहित कुल 259 नगर निकायों के चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वर्तमान में सूबे के 18 नगर निगम, 83 नगर पार्षद व 158 नगर पंचायत अधिसूचित है। बड़ी खबर, पटना में जनवरी से मिलेगी पाइप से गैस। जानिए किस इलाके से होगी शुरुआत, कितना बदलेगा आपकी रसोई का बजट। जी हां, गांधी मैदान के आसपास के इलाके में अगले 4 माह में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG सेवा लोगों के घरों और अपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने गेल कंपनी को गांधी मैदान के पास मदर स्टेशन बनाने के लिए जमीन मुहैया करा दी है। स्टेशन बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद बकारगंज, दलदली, एक्सविजन रोड, सलीमपुर, आहरा आदि इलाके में PNG की सेवा लोगों को मिलने लगेगी। इसके बाद कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाके में यह सुविधा जल्द होगी। बिहार में अब तक 830 बच्चों में वायरल बुखार, 133 हुए भर्ती, कोरोना के 12 नए मरीज भी मिले। जी हां, वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को राज्य भर में 830 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों के OPD में इलाज के लिए आए। इनमें से 133 बच्चों को बुखार व खांसी की तकलीफ होने के कारण भर्ती कराना पड़ा। इन सभी बच्चों की जांच भी की गई। एक बच्चे में डेंगू संक्रमण पाया गया, जबकि अन्य किसी भी बच्चों में ना तो चिकनगुनिया और ना ही कोरोना व मलेरिया की शिकायत पाई गई। इधर सूबे में मंगलवार को कुल 12 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें से 2 अन्य राज्यों के संक्रमित शामिल है। इसके अलावा पटना जिले में सर्वाधिक 5 नए संक्रमित मिले, जबकि भोजपुर, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुंगेर व
मुजफ्फरपुर जिले में एक एक संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में नल जल योजना का काम इसी महीने करना होगा पूरा, पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को दिए निर्देश। जी हां, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने हर घर नल का जल योजना के बचे हिस्से को इसी महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली समीक्षा बैठक में बताया गया था कि पंचायती राज विभाग के हिस्से का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, शेष कार्य भी जल्द पूरे हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने यह आदेश मुख्यमंत्री की समीक्षा के बैठक के संदर्भ में दिया है। इस योजना में दक्षिणी बिहार के हिस्से में सबसे अधिक काम पटना जिला में पेंडिंग है। पंचायती राज निदेशक की समीक्षा बैठक में बताया गया कि पटना जिले के 57 वार्डों में काम पूरा नहीं हुआ है। इस मद में जरूरी राशि का आवंटन भी कर दिया गया है, दूसरे नंबर पर गया है जहां के 26 वार्डों में काम नहीं हुआ है। कैमूर के 7, भोजपुर के 12, औरंगाबाद के 11 और नवादा जिले के 5 वार्डों का बचा हुआ काम इसी महीने पूरा होना है। लखीसराय के 2 वार्डों में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से काम बाधित है। बड़ी खबर, बिहार में 632 चयनित शिक्षकों का सर्टिफिकेट निकला फर्जी, प्राथमिकी दर्ज। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। अब तक कुल 632 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों पर सरकार एक्शन के मूड में है। नियोजन इकाइयों द्वारा 39,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इस दौरान 632 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है उसकी जांच कराई जा रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जांच में अभी और प्रमाण पत्र फर्जी निकल सकते हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में निकली 226 पदों की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। एनसीआरटीसी ने 226 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन हाल ही में जारी कर दिया है। इस विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित टेक्नीशियन एवं अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2021 से शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आखिरी तारीख का इंतजार किना जल्द से जल्द आवेदन कर दें। आपको बता दें कि जिन पदों पर नियुक्तियां निकली है उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन फिटर, वेल्डर, स्टेशन नियंत्रक और यातायात नियंत्रक पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार ncrtc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब की बड़ी खबर, आईपीएल में होगी दर्शकों की वापसी। बीसीसीआई ने फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दी। 16 सितंबर से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। जी हां, आईपीएल 2021 के यूएवी लीग का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल फेज 2 के दौरान दर्शकों को मैदान पर आने की अनुमति दी जाएगी। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज कर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और यूएवी सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए दुबई, शारजा और आबू धाबी में खेल जाने वाले मैचों में सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब आईपीएल के दौरान फैंस मैदान पर नजर आएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार पंचायत चुनाव के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रहना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।